वेलकम बैक टू आवर चैनल। और श्रुति आज मैंने पहने आज ब्लैक ब्लैक क्योंकि श्रुति ने कल की नहीं उतारी मुझे फिर कहेगी मुझे मत दिखाओ। सो आज हमारे घर में क्या बना है रुको दिखाओ तुम। आज हमारे घर में बने छोले। आई एम सॉरी बाबू माँ की कसम गलती से गिरे ये तो कैमरे के सामने हुआ गलती से गिरे यार सॉरी यार सॉरी सॉरी मैं उठा के आता हूँ यार मैं उठा तो सॉरी यार छोले गिरने के बाद मेरे को मारा गया है। खा लो कसम कसम खा लो खा लो। हंसी आ गई ना हंसी ठीक है फोन आ गया कट गया। और राजा जी खा के बैठे हैं अपने दो पराठे सुबह सुबह। और आई तो हेट पराठा यू नो आई एम ऑन डाइटिंग पर्सन। मत कहा हम तो पराठे खाएंगे और घी घेर घेर के खाएंगे। ओह दैट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन। और अब लगा के बैठ गए बाजीराव मस्तानी तो मतलब ढाई घंटे गए बाजीराव मस्तानी में। उसके बाद आप लोगों को व्लॉग मिल जाए शायद। और मैं दिखाती हूँ मैंने अभी अभी अपनी बनाई है म्यूसली। और अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो एक बार जिस तरीके से मैं बता रही हूँ जरूर ट्राई करना भाई। डाई हार्ड फैन बन जाओगे इस आदमी का तो कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने ये इस तरीके से जैसे मैं खाती हूँ म्यूसली को मैंने अपनी मम्मी को भी खिलाई थी और लिटरली मतलब जस्ट ऐसे करती हैं वो ये म्यूसली खा के। तो मैं बताती हूँ कैसे। लोगों ने जिन मेरे प्यारे फैंस ने बोला था कि वो मेरे साथ डाइटिंग करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली म्यूसली है। इसमें ये जो आप देख रहे हो ना किशमिश बादाम ये सब ऑलरेडी पड़ा हुआ था। मैंने बस क्या ऐड ऑन किया है मैंगो। ये देख रहा मैं इतनी टिप्पणी दे रही हूँ म्यूसली मैं बता रही हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। मैं वो नहीं बता वो नहीं सिखा नहीं रही मैं बता रही हूँ। अरे भाई कुछ लोगों ने लिखा था कल कि हम आपके साथ करना चाहते हैं तो कुछ लोग भाई वैसे भी टेस्ट कर सकते हैं आप जरूर है ना डाइटिंग में। हाँ कंपनी तो मैं भी दिखा दूंगी ना जाके ठीक है। और मैं ये बताना चाहती हूँ आप इसमें कोई भी सीजनल फ्रूट ऐड कर सकते हो भाई फैन हो जाओगे। कसम खा के बोल रही हूँ फैन हो जाओगे। चाहे बनाना चाहे मैंगो आपका जो मन हो। मैं मोस्टली मैंगो ऐड करती हूँ और बहुत थोड़ा सा आप ये मतलब फ्रूट तो सारे खा सकते हो क्योंकि अभी ये बोल देगा क्योंकि अभी बोल देगा डाइटिंग पे है और मैंगो खा रही है इसलिए बता रही। तो अभी तो मैं ना बाहर आया हूँ मतलब क्या हुआ था वहाँ पर जो कबूतर के अंडे बचाए थे ना मैंने रख दिए थे यहाँ पर रख दिए थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा वो अंडा फूट गया है और उसमें से कबूतर निकल भी गया है। अब कबूतर निकलने का इतना ऐसा होगा ना इतना बड़ा तो होगा नहीं और दिख नहीं रहा मतलब तीन चार कबूतर दिख रहे हैं और बाहर चल रही बहुत तेज आंधी यार मिट्टी मिट्टी हो रखी है मुँह पे बहुत ज़्यादा। सो अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ तो कुछ सामान लेने अपना गन्ने का जूस पी के आऊँगा चुट पी रही ग्रीन टी। इस लेडीज को मैंने बोला मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दे और यहाँ मेरे बादाम छील छील के खा रही है। 10 बादाम थे 4 मेरे हाथ में आए 6 आपने खाया। भाई कुछ बना दो मेरे लिए यार कुछ दिखाओ लव मैरिज का पावर कुछ दिखाओ। कुछ का कोई नाम नहीं होता कुछ का मतलब पेपर पे कुछ लिख के दे दूंगी अभी कुछ जो खाना उसका नाम बता दो बाकी मुझे नहीं पता कुछ कुछ मुझे समझ नहीं आता है। रील देखने का असर कि पेपर पे कुछ लिख के दे दूंगी क्या होता है मुंह से बोलो। आज हमारे घर में छोले बने हैं बहुत बेकार बने आज मेरी मम्मी ने बनाए सुन लेगी बहुत बेकार बने आज तो छोले भाई साहब मतलब ठीक है खा लिया बट अच्छा मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं थे। मैं बिस्किट कितने खोला है ये बता दो कल आया था रात को सब खा लोगे क्या तुम मेरा गुड्डे उधर रखा है भाई मेरा इस घर में कुछ नहीं रहा शादी करने के बाद मेरा एक एक चीज खा गई लड़की वो कितने खुश हो रही है खाई ली। आज हम दोनों की बहस हो रही थी थोड़ी सी वह किस बारे में आज हमने देखी थी बाजीराव मस्तानी। तो श्रुति को देख के मैं एट द एंड इमोशनल हो गई किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे इस करनागर खता है तो सजा दो मुझे। और ये भाई साहब एट द एंड इमोशनल होने की जगह मेरे से एक घंटा मेरा पैर पकड़ के बैठा है दूसरी बीवी लान तक और इसने एट द लास्ट मोमेंट बोला चलो इस बारे में सोचती। सो गाइस आर यू रेडी फॉर डबल ट्रिपल एंटरटेनमेंट दो बीवी आप बताओ
कौन पहले उसका खून करूंगी फिर आपका, तो दोनों को भगा दूंगी। आपने बोला था कि तुझार कोई नहीं, एक आपका पैर दबाएगी एक आपका हाथ। आपने बोला था कि तुझार बीवी ने मेरे लिए बनाया नींबू पानी, दिखाओ अपने लिए भी लाई हो क्या? अपने लिए कम बनाया, आपके लिए ज्यादा, आप पी गए, सच बताओ। हम देख रहे हैं दावत कंजूस सेठ की दावत। सो भाई ये इससे मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि गर्मी में नींबू पानी पीना चाहिए क्योंकि बॉडी हाइड्रेट रहती है, वरना आपकी बीवी मेरी बीवी जैसी आ गई और आपका खून चूसे तो दोबारा बनाना भी तो पड़ेगा। बहुत टेस्टी बनाया बेब्स, आओ वापस कर दो, आओ वापस, बहुत टेस्टी हो, बहुत थैंक यू। ओलिव ओलिव मेरे को तो अब देगी, ओलिव तुम भी पियोगी नींबू पानी? ओलिव को नहीं चाहिए, ओलिव तो अंदर चली गई, कह रही मेरे को नहीं पीना इतना बेकार नींबू पानी, बट टेस्टी बना, बट टेस्टी बनाया। ओलिव ओलिव को कुछ नहीं पता, मतलब आपको वो है चुल है हर जगह। मैंने एसी क्यों बंद कर दिया भाई, सुबह से चल रहा है। तुषार भाई सुनो सुनो, तुषार भाई देख ये होता है लव मैरिज का नतीजा, तुषार भाई, तुषार भाई 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 क्या होता है भाई, नॉट भाई, मेरी आदत है भाई बोलने, भाई क्या दिखा रहे हो, चांद दिखा रहे हो ऊपर। सीट कितनी मस्त हो रही है ना गाड़ी की, कौन रोबोट बैठा था? रोबोट नहीं बैठा था उस दिन, इसने ना अपना दो दिन पहले कार्ड खो दिया था, वो ढूंढने के लिए पीछे करी थी मैंने, आगे करी थी ताकि पीछे गाड़ी में कार्ड ढूंढ सकूं, पीछे कर सकती है, गाड़ी चलाएंगे। सो अब आपको लग रहा होगा हम फिर गाड़ी में बैठ के कहाँ जा रहे हैं, हमारा आपको पता होगा परसों एक काम रह गया था जिम का, जिसके चक्कर में इसने कर रखा बहुत ज्यादा कलेश, तो वो जिम ढूंढने जा रहे हैं कि वो जिम मिल जाए मेरे को, मुझे दिखाओ, और आज इसको मैं भरवा दूं फीस, ये तभी ज्वाइन करेगा क्योंकि मेरे अंदर तो मोटिवेशन आ चुका है, बट इसको नहीं आ पा रहा है, जो मैं कलेश के ये बना इसको नहीं आया। कोई नहीं मैं भी देखता हूँ आज इसकी जिम की फीस भरवा के ही आऊँ, जरा कौन से जिम में जाएगी, एनी टाइम जाएगी, प्रॉब्लम ये है ना एनी टाइम के अलावा ना यहाँ पर आसपास कोई अच्छा जिम है नहीं, एनी टाइम मेरा मन नहीं है क्योंकि उसमें ना यार मशीनें बड़ी अजीब सी हैं, मतलब आप समझ रहे हो, क्योंकि सब मशीनें जोड़ जोड़ के जब आपका वर्कआउट हो पाता है, और जो नॉर्मल जिम होता है ना उसमें क्या होता है कि मशीनें फ्लैट बेंच अलग, ठीक है डिक्लाइन बेंच अलग, इंक्लाइन बेंच अलग, और इसमें ना भीड़ तो पूरी होती है और उसके बाद ये बेंचेस ना असेंबल करने पड़ते हैं, बकवास, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है एनी टाइम, कितना ही पैसा दे दो उसमें। मैं सच्ची बताऊं मुझे ना एनी टाइम की थीम ही नहीं पसंद, और जो ये मशीन्स की बात कर रहा है वो भी नहीं पसंद, सिर्फ क्राउड के वजह से जाना पड़ रहा है, सिर्फ क्राउड के वजह से। बेस्ट जिम है पश्चिम विहार में, पश्चिम नहीं वो लास्ट जो था पश्चिम विहार में जो हमने जिम करा था वो काफी अच्छा था, अगर वो ऐसा कोई जिम रोहिणी में हो ना तो हम पक्का वहाँ कर ले, बट इसको आज अभी दिखा लाऊं एक बार वो कौन सा एनी टाइम दिखा लाऊं कि कैसा है कैसा क्राउड है, फिर देखते हैं क्या भरते हैं फीस, पैसों की इतनी कोई टेंशन नहीं है यार, पैसे तो वहाँ भी देने यहाँ पर भी देने, बस यहाँ पर 2-4 हज़ार ऊपर देने बस क्राउड की वजह से कि हाँ अच्छा क्राउड हो, क्योंकि वो क्राउड में को पसंद नहीं आता बिल्कुल, वो जो घुस जाते हैं ना देखते देखते लड़कियाँ वर्कआउट कर रही है तो आंखें गड़ा लेंगे वर्कआउट छोड़ के अपनी, वो चिंबड़ वर्कआउट करने वाला हिसाब किताब पसंद नहीं अपने को, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं और कुछ नहीं होता, किसी को क्या पता। भाई हम देखा है जिम और जिम वालों ने हमारी उम्मीदें तोड़ दी है, कह रहे 28,000 रुपए लगेंगे, कुछ तो क्या है इतना बड़ा कोई जिम भी नहीं है जो 28,000 रुपए में दे दूं, या तो बहुत 2 लेवल फ्लोर का जिम हो और मैं 28,000 रुपए दे दूं तो बनता भी है, बंदा दे भी दे, क्राउड भी ठीक था, ऐसा नहीं था क्राउड नहीं है, पहले इन्होंने मेरे को बुलाया 26,000 रुपए कह के कि आपको 26,000 रुपए देने हैं, फिर कहते हैं सर आपको कार्ड चाहिए, मैंने कार्ड तो मेरे से खो गया पुरानी मेंबरशिप वाला, कहते तो आपको 27,000 रुपए देने पड़ेंगे, भैया मैं तो ना देता इस छोटे से जिम के 27,000 रुपए कहते ही ना दे रहा मैं, वो भी पर पर्सन 27,000 रुपए, पहले और जगह एक्सप्लोर कर लो गए उसके बाद एंड में आप यहीं आके रुको। देखते हैं भाई अभी मैं नहीं दे रहा, अभी तो नहीं दे रहा, अभी तो मेरा कोई मूड नहीं है 27,000 रुपए पर पर्सन देने का। जिम जिम गया बाहर, फिर मैं आ गया हूँ ओलिव को खाना लेने, ओलिव को खाना ही ले लेते हैं इससे बढ़िया, तो मैं ओलिव का सामान लेने गया था, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? आधा घंटा लगा दिया आपने यार, भूख लग रही है। तो मैं तो को कह रहा हूँ मोमोज खा ले। नहीं खाऊंगी मोमोज, तो हरगिज नहीं खाऊंगी। क्या खाओगी? फंसाना चाहते हो? मैं फंसूंगी नहीं आपके जाल में। अब आप क्या खाना चाहती हो बता दो। सर लोग मेरे साथ डाइटिंग कर रहे हैं, मैं उनकी डाइटिंग नहीं तोड़ूंगी। अरे आप खाना क्या चाहती हो? मैं घर जाके कुछ घर का खाना खाना चाहती हूँ यार। घर पे कुछ नहीं बनाती है, घर पे कुछ नहीं खाती, प्याज लहसुन और वो खिला देगी खीरा। बोलो कुछ
चलो खिचड़ी बना देना, मोमोज के साथ अच्छी लगी। तो आती नहीं, मैं तो खाने बनाना भूल गई, मैं तो बनाती भी नहीं। मैं भूल गई खाना बनाना भाई, सॉरी। चिड़ोकली अब बाहर खा के दिखा देना, मांग के दिखाना मेरे से ये बना। मोमोज खरीदने में मुझे लग गए 25 मिनट, क्योंकि आज थी बहुत भीड़ मोमोज वाले पे, और मुझे पता है फॉर श्योर छुट्टी हो गई होगी, परेशान। ये लो छुट्टी, मोमोज। आउट हो जाऊंगी मैं, नहीं खाती, रख दो। क्या खेल रही है? टेंपल रन 2। क्या करूं, भूख कब बड़ी होगी? ये मुझे पता क्या लग रहा था, क्या परेशान हो रही होगी गाड़ी में बैठ के, शर्म नहीं आ रही? ये है बच्चे से शादी हो गई मेरी, करो आउट हो गए तो। चलो भाई घर चलते हैं। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मेरा पति अभी कह रहा था कि घर चलते हैं प्लीज, तो ये इससे काम भी पूरा नहीं होता है। मतलब आज हमने अभी तक सिर्फ कितना एक ही जिम तो देखा है, तो कितने सारे जिम देखोगी क्या? तो ऑब्वियसली भाई, कभी इस ऐसे करता है ये, देख लो आज ये बोल के निकला था ना कि ये बोल रही है मैं कर चलता हूँ, ये है वो है, क्या हो गया, हवाइयां मोड़ गई सारी बातें। चल रहा हूँ भाई, चल रहा हूँ। आज तूने बत्ती लगानी है 40,000 रुपए में, लगा के ही मानेगी। हाँ लगानी है भाई, कम से कम मैं ये नहीं बोल रही फाइनल करो, कम से कम जितना एक्सप्लोर करना है वो एक्सप्लोर करके खत्म करो यार, एक माइंडसेट तो बने हमारा। मुझे थोड़ा समय दे ताकि मैं उसका तोड़ निकाल सकूं, कि इसको कैसे कम करवा सकूं, किसी को फोन करा दूं, कुछ कर लूं। बोल रही मैं बोल रही हूँ जितने ऑप्शन है हमारे पास उनको मैं एक्सप्लोर करके खत्म करना चाहिए, फिर शॉर्ट लिस्ट करके जिस पे फोकस करना उस पे करेंगे। जब आप एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे तो गलत बात है ना? नहीं बिल्कुल, ऐसे थोड़ी घर चलता है यार। ऐसे घर चलता है जो इंस्टेंट पेमेंट करके जल्दी, ऐसे ही चलता है भाई, ऐसे ही करना पड़ता है ऐसे लोगों से, नहीं तो मोमोज में खा के सारा खत्म कर देते हैं, घर खा जाते हैं मोमोज में। नहीं नहीं ऐसे देखो, मेरे को मजदूर बना दिए इस औरत ने। लिया जिम कर लिया, ज्वाइन कर लिया? मैं बहुत उदास हूं। काहे की उदास है तू? तूने पूरा दिन खराब कर दिया मेरे एक जिम देखने के पीछे, 10 बजा दिए जिम नहीं देखा। मेंढक देख लो जी, मेंढक देख लो यार। 32,000 के कौन से जिम होते हैं? अपना जायदाद नाम लिखवा दे एनी टाइम तुम्हारे वालों के लिए। मैंने इसको बोला था घर में कराता हूँ, मैं कराता हूँ, बढ़िया वर्कआउट कराता, बट नहीं वो बात नहीं है यार, घर में मैंने तो बोला ट्रेडमिल खरीद लो, फिर ट्रेडमिल खरीद लो इसके लिए घर में, एक डेढ़, शर्म नहीं आती इसको। चलो अब अपने घर की तरफ तो चले, पगों को खाने को मिलेगा। एक घंटे से मेरा मोमोज पड़ा हुआ है, ठंडा हो रहा है गाड़ी में, गुस्सा आ गया, चीट मिल करूंगा मैं। ओए मेरे मोमोज को हाथ मत लगा दियो। और ये रही सायरा, सायरा नीच इंसान है, मैं भूखी बैठी हूँ यहाँ और इसको अपने मोमोज की पड़ी है, कैसे कैसे भूखों की तरह खा रहा है। ये जिम ज्वाइन करेगा क्या? ये जिम रहने दो आपको, तो इसलिए जानबूझ के आपकी शक्ल देख के ज्यादा पैसे बताऊंगे मुझे लग रहा है। तू चली जाए इधर, तो फ्री में करा देगा। ओलिवर क्या तरीका है? हाँ मेरी डेडिकेशन देख के हो सकता है 15,000 में भी दे दे एनी टाइम वाले मुझे। क्या बोलते हो, आपको नहीं करनी ज्वाइन? आप भी मोमोज में लगे पड़े हो। जिम ज्वाइन करना में समस्या हो गई। क्यों? कोई तमीज है मांगने की? मतलब क्या ऐसा हो गया जिम तो जैसे सोना महंगा हो गया भाई। कसम से ये सुन के तो मुझे भी बुरा लगा, ये 32,000 का तो कोई सेंस नहीं बनता है कहीं। 24,000 32,000 मांग रहा है। न्यू जिम वाला 32,000 रुपए किस मुंह से मांग सकता है यार? जो सिटी में जिम है वो तो सारा मांग रहे 24-25-26, और ये गाँव में बैठ के मांग रहा 32। गाइस मुझे गम हो गया है, मैं भी थोड़ी चीट मिल तो नहीं कर रही, बट कुछ ना कुछ खा के आती हूं। तो छोड़, ये देखो मैंने एक मोमोज खाया है। एक तीसरा चौथा आज का बोलो पहले क्यों मैं? अच्छा तू बोले तो बोले, पहला तू बोले तो बोले, आखिरी है। अरे जा जा इसके साथ खा रही है, ये भी खा रही है, देखो ये मोमोज खा रही है। ये तो लगती मुझे मोमोज वाली, कभी कभी चिंकी जैसे बाल रखती है। बन रही है और पनीर का ये कढ़ाई पनीर की सब्जी मेरी सिस्टर ने बना दी है मेरे लिए। सो गाइस लेट मी एंजॉय दिस एंड आई विल सी IPL आल्सो एंड माय बीवी इज वेरी वेली, इसको कुछ नहीं आता। मेरी बहन ने खाना बनाया, रोटी मेरी माँ बना रही है, और ये सिर्फ मुझे बनाती है क्योंकि मैं इससे रूस जाता हूँ, ये मुझसे रूस जाती है। पेपर पे लिख के और साइन करके आपको बद्दुआ दूंगी, बद्दुआ दूंगी। कुछ नहीं बनाऊंगी, पर जिस तरीके से आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, इंसल्ट ऑब्वियसली, वो कह रही बचाओ मामी बचाओ। बचाओ छोटी चड्डी। ओके नहीं, सो गाइस इस व्लॉग को हम करते हैं अभी आज यही है, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय, लव यू, टेक केयर। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गाइस मैं खाना बनाती हूँ।